बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव और उसके साथ बनाऊँगी मैं क्रिस्पी आलू के कबाब। दो रेसिपीज़ बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू के कबाब और इसके लिए यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें हैं, ये मेरे पास आलू हैं, बॉयल किए हुए आलू हैं, मैश कर लिया इनको मैंने। 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है और हाफ टी स्पून मेरे पास गर्म मसाले का पाउडर है। नमक और लाल मिर्च हम हंसवे ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून, इससे कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आप चावल का आटा ले लें। लहसुन के 2 जवे थे इसकी, मैंने इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। बड़े साइज़ के थे 2 यूज़ किए, छोटे हों ज़रा तो आप 3 ले लें। धनिया यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, इसी के अंदर मेरे पास पुदीना है 3 टेबल स्पून धनिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना है और 1 हरी मिर्च बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर ली है। अब जो है इसको हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। अब मैं इस आलू के अंदर सारी चीज़ें शामिल कर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। हाथ मेरे अच्छे से धुले हुए हैं। मैं कबाब आलू के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा कुछ जितने भी मैंने चीज़ें डाली हैं आपस में यकजान हो जाएं। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। आप साइज़ जो है देख लें, कितना आपने रखना है उस हिसाब से आप साइज़ को एडजस्ट कर लें। मैं नॉर्मल साइज़ के कबाब बना ली, नहीं तो बहुत बड़े होंगे, नहीं बहुत छोटे। तो इस तरह से हम कबाब की शेप दे देंगे इसको। ये देखें, इस तरह से मैं सारे कबाब जो है ना वो बनाती जाऊंगी और फिर सारे कबाब बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे कबाब मैंने बना लिए। अब इनको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडे को ना फेंट लिया है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से मैंने अंडे को फेंट लिया। अब इसमें हम कोट करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया। आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको तवे के ऊपर फ्राई कर रही हूँ और ये ऑयल जो है ना गर्म भी हो गया। अब मैं कबाब को अंडे में डिप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको मैं इस तरह से फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। सारे कबाब जितने भी इसके ऊपर आते हैं कबाब, उसमें हम कबाब डाल देंगे। इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल मैंने बहुत ढेर सारा ऑयल नहीं डाला इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितना ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। देखिए, मैंने कबाब डाल दिए और हाफ मैंने डाल दिया, हाफ मैं बाद में डाल दूँगी। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ, एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब जो हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, देखिए इसके ऊपर इस कलर आ गया। इस तरह से हम सारों की साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए, सबकी साइड मैंने चेंज कर दी है और इनके ऊपर देखें कलर कितना अच्छा सा आ गया। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। फिर फ्राई करने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। देखिए, कबाब हो चुके हैं फ्राई, इसको ने कलर ले लिया दोनों साइड से। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस साइड से भी इसने कलर ले लिया। अब मैं जिसको बाहर निकाल लूँगी और फिर हम अब चावलों की तैयारी कर लेते हैं। सारे कबाब फ्राई करने के बाद, चावल पकाने के बाद फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी दोनों चीज़ों की। तो हम चावल की जो है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। पुलाव के लिए जो चीज़ें चाहिए, मटर पुलाव के लिए यहाँ पर मेरे पास है चावल हैं जिसको मैंने धो के भिगो दिया। 3 पहले चावल हैं, 300 ग्राम मेरे पास मटर हैं। यहाँ पर प्याज है 2 मैंने साइज़ के इसको स्लाइस कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। गर्म मसालों मेरे पास ज़ीरा है 1 टी स्पून, काली मिर्च है 10 से 12, लौंगी हैं 4-5, दालचीनी के 2 पीस हैं मेरे, बड़ी इलायची सॉरी 2-3 टुकड़े दालचीनी के, बड़ी इलायची है मेरे पास 2 अदर। नमक हंसपे ज़रूर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये चिकन स्टॉक है जो मैं 2 कप यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, जो कनौर की स्टॉक क्यूब आती है वो डाल सकते हैं। आप पुलाव क्यूब भी आती है कनौर की, वो भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे पास टमाटर का एक बड़े साइज़ का इस्तेमाल करूँगी मैं और हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 अदर। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर लें आप इसके अंदर। और जो ऑयल है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 कप। मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सारे साबुत गर्म मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज और इसको मैं करूँगी फ्राई और इसका गोल्डन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको तब तक करेंगे फ्राई। देखिए प्याज हो गया, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक नमक भी शामिल करने के साथ ही हम। और अब जो है हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे, फिर बाद में हम इसको भून लेंगे, क्योंकि अभी मैं मटर शामिल कर देती हूँ इसके अंदर ताकि जो है ये गल जाए। मैं इसके अंदर पानी के बजाय यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मटर जो है ना वो गल जाए। मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ डाल दिया, बाकी की हाफ मैं बाद में डाल दूँगी। मटर उगलाने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया मैंने यखनी का। अब जो है इसको ढक के पकाऊंगी ताकि जो है मटर गल जाए। देखिए मटर जो है वो गल चुके हैं और पानी भी इसका ड्राई हो गया है, टमाटर इसके अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये चावल, सारे चावल हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी से इसके अंदर चावल शामिल करूंगी मैं, जिससे मैंने इसको भुगो के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इसके अंदर जो बाकी बची हुई यखनी थी मैं वो भी शामिल कर दूंगी। मज़ीद पानी भी इसके अंदर डलेगा क्योंकि पानी अभी कम है इसके अंदर, तो इसके अंदर पानी मज़ीद डालूंगी मैं। और इसको हम पकाएंगे तेज़ आँच पे पकाऊंगी एक बॉयल आने तक, ताकि इसका एक बॉयल आ जाए, ये पकना शुरू हो जाए, फिर हम इसकी आँच को कम करेंगे, दरमियानी कर देंगे फिर हम, ताकि जो है ये अच्छे से पानी सारा ड्राई हो जाए। चलें जी, पानी शामिल हो गया। आप स्टेज पे इसका नमक जो है ना वो टेस्ट कर लें, कम होगा तो और डाल लें, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे नमक को। अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक इसका पानी जो है ना वो सारा ड्राई नहीं होता। देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। उसको दम देंगे हम 12 से 15 मिनट तक के लिए, इसको हम दम देंगे। देखें चावल का दम जो है वो हो चुका है, देखें बस। अब मैं आप उसको सर्व करके दिखाती हूँ। और कबाब जो मैंने बनाए क्रिस्पी कबाब जो हैं आलू के कबाब, वो भी मैं साथ में इसके सर्व करूँगी, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सर्व कर दिया, चावल भी हैं साथ में कबाब भी हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे, दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा बनता है। रायते के साथ खाएँ, सैलड के साथ खाएँ, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, ट्राई करें तो पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को जो भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए टेबल पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई हैं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी यूँ। तो टेबल पे मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।